हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मुदिता एंड यू आर वाचिंग मुदिता आईएएस वॉरियर्स। स्टूडेंट्स, ये आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट 20 है जो आपको 24 अगस्त को दी जाएगी। आज का हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है सिविक्स का, लोकतंत्र क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पहचानने के लिए जो पैमाना अपनाया गया है उसके अनुसार लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए, तभी देश लोकतांत्रिक होगा। यानी लोकतंत्र हम किसे कहते हैं, एक ऐसा देश जहाँ की जनता अपने शासक को स्वयं चुनती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। ठीक है, और लोकतंत्र का अगर आप सरल भाषा में अर्थ देखोगे तो इसका मतलब होता है लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा। ठीक है, आगे बोल रखा है, अर्थात लोकतंत्र शब्द का अर्थ है एक ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पे सरकार का चुनाव लोग करते हैं। कुछ और गैर लोकतांत्रिक देश, अब हम थोड़ा गैर लोकतांत्रिक देश समझ लेते हैं। गैर लोकतांत्रिक देश, देखिए लोकतंत्र वाले देश वो हैं जहाँ पे जनता, ये देश है जहाँ एक है, ठीक है, देश ए, और ये है देश बी। तो एक देश हम लोकतंत्र कब कहेंगे, जब यहाँ की जो जनता है अपने लीडर को, इनका जो मुखिया है ना, उसको ये जनता चुन रही है। और दूसरा देश, ये इसे हम गैर लोकतंत्र कब कहेंगे, जब यहाँ पे जनता की कोई भागीदारी ना हो, या फिर यहाँ पे जैसे राजतंत्र हो। राजतंत्र का मतलब क्या होता है कि जो राजा का परिवार होता है वो ही हमेशा राजा बनता है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो ये हमारे गैर लोकतांत्रिक देश होते हैं। तो गैर लोकतांत्रिक के बारे में बताया है, म्यांमार जहाँ सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया, वहाँ के शासन के फैसले में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। तो म्यांमार एक गैर लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सैनिक शासन होता है और जनता की कोई भागीदारी नहीं होती। दूसरा नेपाल में हम देखेंगे तो नेपाल में क्या है, राजतंत्र चल रहा है, राजा होता है और राजा का बेटा फिर से राजा बनता है, यानी यहाँ पे भी जनता की भागीदारी नहीं है। साथ में अगर हम सऊदी अरब को देखेंगे तो ये भी ऐसा ही एक देश है, यहाँ पे भी आप राजतंत्र देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी लोकतंत्र नहीं है। अब लोकतंत्र का अर्थ हमने समझ लिया कि लोगों का, लोगों के द्वारा शासन। लोकतंत्र की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो यहाँ पे आपको चार विशेषताएं लोकतंत्र की दे रखी हैं। सबसे पहले, लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों के अनुसार कानूनों का पालन और नागरिक अधिकारों का आदर करती है। यानी कोई भी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक सरकार है, वो कानून का पालन करेगी। कानून क्या होगा, एक देश को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून बनाए जाते हैं, तो सरकार उन नियमों और कानूनों का पालन करेगी, साथ में जनता को भी अधिकार दिए जाते हैं। दूसरा है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का फैसला किसके पास होता है, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। जनता जो अपने लीडर को चुनती है तो वो निर्णय कौन लेता है, ये लीडर लेता है, और लीडर किसके बिहाफ पे लेता है, लोगों के बिहाफ पे, यानी जनता ही अपने फैसले लेती है। ओके, अगला बोल रखा है कि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, ठीक है, जिससे जो सत्ता में है उन्हें हार और जीत का समान अवसर मिल सके। इसका मतलब होता है कि लोकतंत्र में जो लीडर चुने जाते हैं उसके लिए वोट देने होते हैं, चुनाव कराया जाता है, तो चुनाव में, चुनाव बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए, सही तरीके से वोटिंग होनी चाहिए, तभी पता चलेगा कि जनता ने सच में किसको चुना है। और जो सत्ता में है, मतलब जो पार्टी की सरकार है, उसको ये हमेशा भय बना रहना चाहिए कि वो जीत भी सकती है और हार भी सकती है, क्योंकि चुनेगा कौन, अगली बार भी जनता चुनेगी। इसके बाद अगला है, लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होता है या होना चाहिए, ठीक है, और सबके वोट का एक मूल्य। इसका अर्थ क्या होता है कि जैसे हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र देश में सभी को वोट देना, जो भी वयस्क है, जैसे एक एज लिमिट कर दी जाती है, जैसे भारत में 18 वर्ष से ऊपर जितने भी महिला पुरुष, सबको वोट देने का अधिकार होता है, और हर इंसान के वोट की जो वैल्यू है, सबको वोट का अधिकार होगा, एक वोट एक मूल्य। एक मूल्य का मतलब है सबके वोट की बराबर की वैल्यू होगी, चाहे अगर पीएम एक वोट देंगे किसी को, उसका भी उतना ही वैल्यू है, और हम, आप कोई भी इंसान देगा, उसके वोट की भी सेम बराबर वैल्यू होगी। तो एक वोट एक मूल्य, हर व्यक्ति का, ये लोकतंत्र की विशेषता है। अब आपसे प्रश्न पूछे हैं, लोकतंत्र किसे कहते हैं। दूसरा पूछा है कि नहीं, दो लोकतांत्रिक देशों के नाम बताइए। लोकतंत्र में प्रमुख फैसले कौन लेता है, और एक व्यक्ति एक वोट का क्या मतलब है, और पांचवे में पूछा है, लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों जरूरी है। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इन सभी क्वेश्चंस के। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। पहले प्रश्न में बोला है, लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो शासन का एक ऐसा रूप जिसमें शासकों का चुनाव कौन करता है,
लोग करते हैं उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि इन्हीं दो गैर लोकतांत्रिक देशों के नाम, तो नेपाल और सऊदी अरब को आप लिख सकते हैं। म्यांमार में भी गैर लोकतांत्रिक सरकार है। ये आपके पहले और दूसरे प्रश्न हैं। तीसरे में बोला है कि लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है, तो लोकतंत्र में फैसले लेने का प्रमुख अधिकार किसके पास होता है, जनता के पास होता है। फोर्थ में बोला है कि एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, इससे आप क्या समझते हो? एक व्यक्ति एक वोट एक मोल का अर्थ है किसी भी लोकतंत्र देश में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होता है और हर वोट का एक समान मूल्य होता है, यानी जितने भी युवा होंगे एक एज के निर्धारित जितने भी युवा होंगे सभी को वोट देने का अधिकार होगा और सभी के वोट की मत की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव? लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों को हार जीत का समान अवसर मिल सके। ठीक है, हार जीत के समान अवसर हों सबके लिए। तो ये आपके 5 प्रश्न थे। आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आई हो। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दें जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स।